Hey guys, मेरा नाम है अब्दुल राशिद और आप देख रहे हैं द इंडियन बजट गेमर। वेलकम है आपका इंडियन पीसी वॉर्स के एपिसोड नंबर 121 में। इंडियन पीसी वॉर एक ऐसी सीरीज है जहां पर आप लोग अपना सेटअप सबमिट करते हैं और हम उसे अपने चैनल पे फीचर करते हैं। अगर आप भी पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्टेड है तो यार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है जहां पर सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आप उसे जाकर चेक कर सकते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट द इंडियन पीसी वॉर्स बिगिन। बट बिफोर दैट, दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय keysclub.in। अगर आप यहाँ पर चीप में विंडो 10 का लाइसेंस खरीदना चाहते हैं तो आप keysclub.in को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको OEM की 750 रुपये में और रिटेल की 1350 रुपये में देखने को मिल जाती है। और वही अगर आप हमारा कूपन कोड यूज़ करते हैं TIBG350 तो वहाँ पर आपको एडिशनल डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक और कूपन कोड दिया हुआ है, जाकर चेक कर सकते हैं। शो की शुरुआत करते हैं हमारे पहले कंटेस्टेंट से जिनका नाम है सर्वप्रीत ढिल्लियॉन, जो कि 17 साल के एक स्टूडेंट है। इनके सेटअप के बारे में बात करें तो बंदे ने यहाँ पर काफी नीट और क्लीन सेटअप बिल्ड कर रखा है। पहली चीज जो यहाँ पर आप इनके सेटअप में नोटिस करते हो ना, वो है इनका बैकग्राउंड। बंदा यहाँ पर जो अपना सेटअप यूज कर रहा है वो ऑलरेडी दिखने में बहुत ही अच्छा और बहुत ही क्लीन है, लेकिन यहाँ पर बंदे ने बैकग्राउंड पर भी काफी फोकस किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो बैकग्राउंड वॉल इनके सेटअप में बिल्कुल नई पर्सनैलिटी ऐड कर देती है। बात आती है अगर ओवरऑल सेटअप के बारे में तो आप देख सकते हो बंदे ने क्लीननेस और केबल मैनेजमेंट बहुत ही सॉलिड मेंटेन कर रखी है। आपको लिटरली फ्रंट से एक भी वायर देखने को नहीं मिलता। ओवरऑल अगर आप इनके सेटअप को ठीक से देखते हो तो बंदे ने यहाँ पर जो कलर थीम क्रिएट करने की कोशिश करी है वो रेड और ब्लैक है। हालांकि अगर माउस पैड भी थोड़ा रेड और ब्लैक कलर का ले लेते ना तो बहुत ही अच्छा लुक अचीव कर सकते थे। वही बात आती है अगर हालत इनके कैबिनेट के अंदर की तो आप देख सकते हो कैबिनेट के अंदर भी काफी अच्छा काम किया है। क्लीननेस और केबल मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे लेवल की मेंटेन कर रखी है। नौ बात कर रहे थे इनके पेरिफेरल्स के बारे में, यहाँ पर यूज कर रहे हैं LG का 24 इंच का मॉनिटर। माउस और कीबोर्ड यहाँ पर लॉजिटेक का कॉम्बो यूज कर रहे हैं। स्पीकर यहाँ पर FND का यूज कर रहे हैं। वही बात करके इनके PC स्पेक्स के बारे में तो यूज कर रहे हैं MD का Ryzen 5 3600, 16GB की रैम और ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पे RTX 2060 सुपर यूज कर रहे हैं। तो एट दिन अगर बात करें CPU परफॉर्मेंस की, Ryzen 5 3600 इनको बहुत ही अच्छा CPU परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देता है। और वही बात आती है अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की तो यार RTX 2060 सुपर इनको 1080p लेवल की बेहतरीन गेमिंग करवा देता है। एट दिन अगर बात आती है मेरे सजेशन की तो यहाँ पर मैं केवल इनको यही सजेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ पर अपने मॉनिटर को अपग्रेड करके एक गेमिंग मॉनिटर या हाई रिफ्रेश रेट वाला मॉनिटर ले सकते हो तो आपको जरूर लेना चाहिए। बाकी लुक वाइज यहाँ पर आपको कोई खास इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। थैंक यू सर्वप्रीत पार्टिसिपेट करने के लिए। सेकंड कंटेस्टेंट के बारे में बात करें, इनका नाम है उज्जवल सिंह, जो कि 15 साल के स्टूडेंट और एक गेमर हैं। इनके सेटअप के बारे में बात करें तो बंदे ने यहाँ पर बहुत ही नीट और क्लीन सेटअप बिल्ड कर रखा है। पहली चीज जो यहाँ पर आप इनके सेटअप में नोटिस करते हो ना, वो है इनकी टेबल। बंदा यहाँ पर सेटअप में जो ये टेबल यूज कर रहा है वो बहुत ही यूनिक है और इनको जो फाइनल लुक प्रोवाइड करती है वो भी बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हो टेबल में यहाँ पर जो आपको चौड़ाई देखने को मिलती है वो बहुत कम है, लेकिन लंबाई टेबल की काफी सफिशियंट है और इनका जो सेटअप है ना वो इस टेबल के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर बैठ भी जाता है। बात आती है अगर ओवरऑल लुक्स की तो आप देख सकते हो बंदे ने लुक्स जो यहाँ पर फाइनल अचीव किया है ना वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्लीननेस भी काफी अच्छी मेंटेन कर रखी है और केबल मैनेजमेंट भी बहुत ही मेहनत से इन्होंने मेंटेन कर रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हो टेबल के पीछे इन्होंने जो है केबल रेसवे भी लगा रखा है, जिसके अंदर से इन्होंने सारे के सारे केबल जो है वो राउट कर रखे हैं और ओवरऑल जो इनको फाइनल लुक मिलता है ना वो बहुत ही क्लीन हो जाता है। वही बात करें अगर हालत इनके कैबिनेट के अंदर की तो कैबिनेट के अंदर भी इन्होंने काफी अच्छा काम किया है। क्लीननेस और केबल मैनेजमेंट अच्छी खासी इन्होंने मेंटेन कर रखी है। नौ बात कर लेते हैं इनके पेरिफेरल्स के बारे में, यहाँ पर यूज कर रहे हैं LG का अल्ट्रा गियर 144Hz का गेमिंग मॉनिटर। माउस यहाँ पर लॉजिटेक G402 है, कीबोर्ड यहाँ पर लॉजिटेक G512 है, हेडसेट यहाँ पर रेडगियर कॉस्मो 7.1 यूज कर रहे हैं। वही बात करें इनके PC स्पेक्स के बारे में तो यूज कर रहे हैं इंटेल का कोर i5 9600K, 16GB की रैम और ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पे RTX 2060 यूज कर रहे हैं। तो एट दिन अगर बात आती है CPU परफॉर्मेंस की तो यार i5 9600K इनको बहुत ही अच्छा CPU परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देता है। और वही अगर बात करें गेमिंग परफॉर्मेंस की तो यार RTX 2060 ना इनको बहुत ही अच्छे लेवल की 1080p गेमिंग करवा देता है। एट दिन अगर बात करें मेरे सजेशन की तो यहाँ पर मैं केवल इनको यही सजेस्ट करना चाहता हूँ, अगर अपनी बैकग्राउंड वॉल को डेकोरेट कर सकते हो तो आपको जरूर करना चाहिए। जिसकी स्पेक्स वाइज यहाँ पर आपको कोई खास इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। थैंक यू उज्ज्वल पार्टिसिपेट करने के लिए। थर्ड कंटेस्टेंट के बारे में बात करें, इनका नाम है मनराज सिंह, जो कि 18 साल के स्टूडेंट है। इनके सेटअप के बारे में बात करें तो बंदे ने यहाँ पर काफी अच्छा सेटअप बिल्ड कर रखा है। पहली चीज जो यहाँ पर आप इनके सेटअप में नोटिस करते हो ना वो है लाइट और डार्क कलर थीम। RGB को अगर आप एक मिनट के लिए इग्नोर कर दो तो आप यहाँ पर देख सकते हो फर्नीचर, टेबल और जो यहाँ पर चेयर यूज कर रहे हैं ना वो डार्क कलर की है, बाकी सारी चीजें यहाँ पर आपको लाइट कलर की देखने को मिलती है। तो लाइट और डार्क कलर का जो कॉम्बिनेशन है ना वो दिखने में बहुत ही प्लीजिंग लगता है। बात करें अगर सेटअप के बारे में तो आप देख सकते हो बंदे ने यहाँ पर जो सेटअप बिल्ड कर रखा है वो टू बी ऑनेस्ट अच्छा लग रहा है। यहाँ पर टेबल जो यूज कर रहे हैं वो एक रेडीमेड टेबल है और इनके सेटअप के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर टेबल टॉप पर जो इनको स्पेस मिलता है वो बिल्कुल सफिशिएंट है। पूरा का पूरा सेटअप टेबल टॉप पर होने के बावजूद भी इनको जो लुक मिलता है ना वो अच्छा है और इनको स्पेस भी काफी सफिशिएंट मिल जाता है।
हालांकि आप देख सकते हो टेबल टॉप पर क्लीननेस जो उतनी अच्छे से मेंटेन नहीं कर रखे हैं, आपको काफी रैंडम चीजें भी देखने को मिल जाती हैं और केबल मैनेजमेंट भी अपन को थोड़ी बहुत करने की जरूरत हो। वही बात आती है अगर हालत इनके कैबिनेट के अंदर की, तो कैबिनेट के अंदर इन्होंने काफी अच्छा काम किया है, क्लीननेस और केबल मैनेजमेंट इन्होंने काफी अच्छे से मेंटेन कर रखी है। नाउ बात कर लेते हैं इनके पेरिफेरल्स के बारे में। यहाँ पर यूज कर रहे एसर का 24 इंच का गेमिंग मॉनिटर, माउस यहाँ पर रेजर का है, कीबोर्ड यहाँ पर लॉजिटेक का, स्पीकर यहाँ पर एचपी का यूज कर रहे हैं। वही बात करें इनके पीसी स्पेक्स के बारे में, तो यूज कर रहे हैं इंटेल का कोर i5 10400, 16GB की रैम और ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पे 3060 Ti यूज कर रहे हैं। तो एट दिन अगर बात करें सीपीयू परफॉर्मेंस की, यहाँ पर जो सीपीयू परफॉर्मेंस इनको मिलता है वो बहुत ही सॉलिड है। और वही बात आती है अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की ना, तो यार 3060 Ti इनको बहुत ही अच्छे लेवल का गेमिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देता है। एट दिन अगर बात आती है मेरे सजेशन की, तो यहाँ पर मैं इनको केवल यही सजेस्ट करना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत अगर आप अपने टेबल टॉप को क्लीन कर सकते हो तो आपको जरूर करना चाहिए, बाकी स्पेक्स वाइज यहाँ पर आपको कोई खास इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। थैंक यू वनराज पार्टिसिपेट करने के लिए। फोर्थ कंटेस्टेंट के बारे में बात करें, नाम है शाहरुख अंसारी जो कि 20 साल के स्टूडेंट है। इनके सेटअप के बारे में बात करें तो बंदे ने यहाँ पर बहुत ही यूनिक सेटअप बिल्ड कर रखा है। पहली चीज आप देख सकते हो बंदा यहाँ पर ना NZXT का कैबिनेट यूज कर रहा है, और उस कैबिनेट को केवल दिखाने के लिए इन्होंने नई एक सेकेंडरी अपनी कंप्यूटर वाली टेबल ले रखी है। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पर जो इनको फाइनल लुक मिलता है वो बहुत ही खाली खाली है। लिटरली आप देख सकते हो सेकेंडरी टेबल जो है वो भी काफी जगह से खाली है और प्राइमरी टेबल भी काफी जगह से खाली है। बात आती है ओवरऑल लुक के बारे में, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो बंदे ने लुक अचीव किया है वो काफी अच्छा लग रहा है। थोड़ा ज्यादा यहाँ पर इनको स्पेस मिल जाता है, बट स्टिल बंदे ने क्लीननेस जो है वो बहुत ही अच्छी मेंटेन कर रखी है। एक बार जब आप यहाँ पर कैबिनेट को देखते हो तो आप देखकर समझ सकते हो कि बंदे ने यहाँ पर जो पीसी बिल्ड कर रखा है ना, वो टू बी ऑनेस्ट दिखने में बहुत ही अच्छा है। हालांकि ये कलर थीम को लेके बहुत कंसिस्टेंट तो नहीं रहते हैं, टाइम टू टाइम ये चेंज करते रहते हैं, लेकिन स्टिल व्हाइट और ब्लैक के साथ इनकी कलर थीम काफी अच्छे से मैच कर जाती है। नौ बात कर लेते हैं इनके पेरिफेरल्स के बारे में, यहाँ पर यूज कर रहे हैं सैमसंग का 1080p का 240Hz का गेमिंग मॉनिटर, माउस यहाँ पर टेक्नेट का है, कीबोर्ड यहाँ पर लॉजिटेक का है, स्पीकर यहाँ पर इंटेक्स का ही यूज कर रहे हैं। वही बात करें इनके पीसी स्पेक्स के बारे में, तो यूज कर रहे हैं इंटेल का कोर i7 10700K, 16GB की रैम और ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पे RTX 3070 यूज कर रहे हैं। तो एट दिन अगर बात करें सीपीयू परफॉर्मेंस की, तो यार यहाँ पर इनको सीपीयू परफॉर्मेंस तो बहुत ही सॉलिड मिल जाता है, और बात आती है वही अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो यार RTX 3070 तो 2080 Ti से भी बेटर है। एट दिन अगर बात आती है मेरे सजेशन की, तो यहाँ पर मैं केवल इनको यही सजेस्ट करना चाहता हूँ कि जिस टेबल के ऊपर आप अपना कैबिनेट रखे ना, वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत ही अजीब है, दैट इज वाई यहाँ पर आपको लुक अच्छा नहीं मिलता। अच्छा लुक अचीव करने के लिए यहाँ पर आप छोटा सा स्टूल ले लें जो कि आपके कैबिनेट के जितना ही बड़ा हो, उसके ऊपर आप अपना कैबिनेट रखें, तब यहाँ पर जो आपको फाइनल लुक मिलेगा ना वो बहुत ही क्लीन हो जाएगा। बाकी स्पेक्स वाइज यहाँ पर आपको कोई खास इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। थैंक यू शाहरुख पार्टिसिपेट करने के लिए। फिफ्थ और लास्ट कंटेस्टेंट के बारे में बात करें, क्या नाम है वैभव कोहली जो कि 23 साल के स्टूडेंट है। इनके सेटअप के बारे में बात करें, तो आप देख सकते हो यहाँ पर बंदा मल्टी मॉनिटर सेटअप बिल्ड कर रखा है। फाइनल लुक जो यहाँ पर इनको देखने को मिलता है वो भी बहुत ही ज्यादा बैडैज है। आप देख सकते हो बंदा यहाँ पर कलर थीम को लेकर काफी कंसिस्टेंट है, हालांकि ज्यादा कुछ RGB यहाँ पर पेरिफेरल से यूज नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल ओवरऑल यहाँ पर आपको सेटअप में पर्पल ब्लू और ब्लैक कलर देखने को मिल जाता है। बात आती है वही अगर क्लीननेस की, तो आप देख सकते हो पूरा का पूरा सेटअप टेबल टॉप पर होने के बावजूद भी बंदे ने क्लीननेस जो है वो बहुत ही अच्छी मेंटेन कर रखी है। लिटरली फ्रंट से आपको एक भी वायर देखने को नहीं मिलता। बात आती है वही अगर हालत इनके कैबिनेट के अंदर की, तो कैबिनेट के अंदर भी ठीक ठाक काम किया है। आप देख सकते हो थोड़े बहुत वायर्स देखने को मिलते हैं, बट दैट इज कम्प्लीटली फाइन, क्लीननेस भी इन्होंने ठीक ठाक मेंटेन कर रखी है। नौ बात कर लेते हैं इनके पेरिफेरल्स के बारे में, यहाँ पर यूज कर इनका जो प्राइमरी मॉनिटर है वो LG का 24 इंच का मॉनिटर है, इनका सेकेंडरी मॉनिटर सैमसंग का है HD Ready 19 इंच का मॉनिटर, माउस यहाँ पर लॉजिटेक का है, कीबोर्ड यहाँ पर कॉस्मिक बाइट का, स्पीकर यहाँ पर जेब्रोनिक्स का ही यूज कर रहे हैं। वही बात करें इनके पीसी स्पेक्स के बारे में, तो यूज कर रहे हैं इंटेल का कोर i5 9400F, 16GB की रैम और ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पे RX 570 यूज कर रहे हैं। तो एट दिन अगर बात करें सीपीयू परफॉर्मेंस की, यहाँ पर इनको जो सीपीयू परफॉर्मेंस मिलता है वो बहुत ही सॉलिड है। वही बात आती है अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो यार RX 570 को 1080p लेवल की ठीक ठाक गेमिंग करवा देता है। एट दिन अगर बात करें मेरे सजेशन की, तो यहाँ पर मैं इनको कोई खास सजेशन देना नहीं चाहता, लुक वाइज और स्पेक्स वाइज इनका पीसी ऑलरेडी वेल बैलेंस है, यहाँ पर आपको कोई खास इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। थैंक यू वैभव पार्टिसिपेट करने के लिए। वेल तो दोस्तों ये थे हमारे कंटेस्टेंट। आई बटन पर कोई भी पोल दिया हुआ नहीं है क्योंकि YouTube ने पोल का कॉन्सेप्ट हटा दिया है, तो आपका जो भी फेवरेट कंटेस्टेंट है आप उसका नाम वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, और जिस भी बंदे को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो बंदा विनर होगा। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को बस जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं ऐसे डेली ऑसम कंटेंट। तो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।